विजय नेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 4 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल्स प्लस डिवाइड सब टू ओ इन्फाइनाइट है। यहाँ पर हमें सम ऑफ इन्फाइनाइट सीरीज विथ फ्रैक्शन फैक्टोरियल्स, फैक्टोरियल कैसे है फ्रैक्शन में है, तो ये इन्फाइनाइट सीरीज चल रहे तो इसका समेशन क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप ध्यान दोइए, क्या मैं इस वन को टू माइनस वन लिख सकता हूँ? जरूर लिख सकता है, टू माइनस वन मीन्स वन ही होता है, तो डिवाइडेड बाय ये टू फैक्टोरियल मैं एज वेल लिख रहा हूँ। ओके, तो ठीक इसी तरह प्लस आगे टू को मैं थ्री माइनस वन करूँगा तो ये बनेगा टू ही बनता है थ्री फैक्टोरियल एज वेल। तो नेक्स्ट इसी तरह ठीक थ्री को मैं फोर माइनस वन करूँगा तो थ्री बनता है, तो यहाँ पर फोर फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट ये फोर है, यहाँ पर मैं फाइव माइनस वन करूँगा तो यहाँ पर फाइव फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है, फाइव फैक्टोरियल एज वेल रखा। ठीक इसी तरह ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये और यहाँ फाइव फोर होने के बाद यहाँ फाइव फैक्टोरियल फाइव डिवाइडेड बाई सिक्स फैक्टोरियल आएगा, तो फाइव को मैं सिक्स माइनस वन करूँगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो टू माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल से इसे हम ए माइनस बी डिवाइडेड बाई सी के फॉर्म में है वो, तो इसे हम ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी डिवाइड बाई सी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पर टू का काम कर रहा है ये और वन क्या हो रहा है बी है और टू फैक्टोरियल सी है, खाली इसमें एक में बता रहा हूँ मैं, तो ठीक इसी तरह सब में रहेगा। तब ये बनेगा टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, ओके, माइनस वन डिवाइडेड बाई ये भी टू फैक्टोरियल बनेगा, ए बाई सी माइनस बी बाई सी के जैसा हो गया, ये हो गया। तो प्लस नेक्स्ट यहाँ पर क्या बन गया, थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल बन रहे यहाँ पर, और माइनस क्या बन रहे वन डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एज वेल सेकेंड वन में, तो होना है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट कर सकते हैं एक का, तो ये प्लस और एक ये फोर माइनस वन है तो फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, इसे कर सकते हैं हम। तो नेक्स्ट फाइव को क्या कर सकते हैं, यहाँ फाइव माइनस वन को फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, ओके, माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, तो प्लस ऐसे ही हम आगे तक जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फाइनाइट सीरीज है, जो फैक्टोरियल है इसका वैल्यू क्या होता है, टू फैक्टोरियल अगर रहा, टू फैक्टोरियल अगर रहा तो टू इंटू वन रहते हैं, इसका वैल्यू टू बनते हैं, ये पता है हमें। तो अगर थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, थ्री अपने आप मल्टीप्लीकेशन एक एक कम करते आओ वन तक तो सिक्स बनते हैं। अगर फोर फैक्टोरियल अगर रहा तो इसका वैल्यू क्या बनता है, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब कितना बनते हैं, फोर थ्री सर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर बनते हैं। ठीक इसी तरह फाइव फैक्टोरियल अगर रहा तो ये बनता है फाइव फैक्टोरियल, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये बनते हैं फाइव फोर सर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ट सिक्सटी वन ट्वेंटी, ऐसे ही चलते रहेगा, सिक्स फैक्टोरियल भी ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो टू डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल है, टू फैक्टोरियल मीन्स वो भी टू ही बनते हैं, तो हम इसे टू डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, हम इसको टू डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मीन्स टू हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर टू लिखेंगे, माइनस ये वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल या है ये याद सॉल्व को। ठीक है, ब्रैकेट प्लस ये थ्री डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल मीन्स सिक्स है, तो मैं थ्री फैक्टोरियल का वैल्यू डायरेक्ट सिक्स ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल या जो लिखेंगे इधर। नेक्स्ट फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल मीन्स ट्वेंटी फोर होते हैं, ये ट्वेंटी फोर यहाँ पर लिखेंगे, माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल या जो, तो प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल मीन्स वन हंड्रेड ट्वेंटी बन रहे, माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव फैक्टोरियल
अर्जुन रहने दो, प्लस ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यहाँ पर इक्वल्स 2/2 मीन्स 1 बनता है, माइनस 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 1/2 फैक्टोर 1/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 बनते हैं, तो ये भी ये 1/2 बनता है। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट किया तो प्लस, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी यहाँ पर 1/2 बनते हैं, माइनस 1/3 फैक्टोरियल मीन्स 6 होते हैं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर 6 रखूँगा, पुट करूँगा। प्लस इसका वैल्यू 4/24 मीन्स 1/6 बनते हैं, ओके 4 × 1 = 4, 6 × 0, माइनस यहाँ पर 1/4 फैक्टोरियल मीन्स 24 बनते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 24 लिखूँगा। ओके तो नेक्स्ट 5/120, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 0, यानी 1/24 बनते हैं इधर, 5/120 मीन्स माइनस 1/ यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मीन्स 120 बनते हैं, प्लस ऐसे आगे चलते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन किया, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन साइन किया, तो ये ब्रैकेट अपने आप ये ओपन हो जाएगा, है ना, तो ये अंदर का जो अभी है वो सेम ही रहेगा, खाली ब्रैकेट ओपन अपने आप हो जाएगा, ये ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। अभी देखो ये 1 − 1/2 + 1/2, ये −1/2 और ये +1/2, ये निकल जाएगा, यहाँ पर −1/6 है, यहाँ पर +1/6 है, ये दोनों निकल जाएगा, यहाँ पर −1/24 है, यहाँ पर +1/24, ये निकल जाएगा, यहाँ पर −120 है, यहाँ पर इन्फिनिट सीरीज चल रहे हैं, तो यहाँ आगे जाने के बाद +1/24 आ जाएगा, तो ये भी इसके साथ निकल जाएगा, तो रिमेनिंग क्या रह रहे हैं, ओनली 1/1, यहाँ पर 1/1 है, तो 2/2 मीन्स 1/1 और 1, तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर में क्या बच रहे हैं, ओनली 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर ओनली 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।